राष्ट्रीय हिंदू परिषद अध्यक्ष प्रवीण तोगाड़िया सुवर्णपुर जिलार सर्किट हाउस ठारे सांबादिक मानकु संबोधित करी जिलार सुवर्णपुरी पाटवस्त्र प्रशंसा करिबा सह पश्चिम ओडिशार बुणाकार मानक आर्थिक उन्नति करिबा पई तांको योजना रहिछि बोली कहिछंती। झारसुगुड़ा से निकला हूँ और 8 दिन में लगभग 18 जिला की यात्रा करके भुवनेश्वर कटक तक पहुँचूंगा। यह दौरान यहाँ के लोगों को मिलना, उनकी समस्या समझना, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता के साथ बैठना, यह एक उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य हमारा लक्ष्य है अब तो हिंदू ही आगे, और अब तो हिंदू ही आगे में हमारी 3 बातें हैं, समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू। समृद्ध हिंदू में हमारी 4 बातें हैं, गरीबी मुक्त हिंदू, रोजगार युक्त हिंदू, कर्ज मुक्त किसान और महंगाई मुक्त गृहिणी। और उनमें सरकार से हमारी 2 मांगे हैं कि केंद्र और सभी राज्य सरकारों में 1 करोड़ खाली सरकारी नौकरियां है वो तुरंत भरो, और ई श्रम कार्ड जिनके बने हैं उनके बैंक अकाउंट में हर वर्ष 6,000 रुपया डालो। यह मांग में पूरे देश और उड़ीसा में खड़ी करवा। उनके साथ हमारी ओर से 3 बातें, हम हिंदू रोजगार योजना 26 मई से शुरू कर रहे हैं जिनमें 10,000 लोगों को रोजगार देंगे, उनमें 1,000 उड़ीसा के होंगे, आधी महिला होगी। इस योजना का दूसरा हिस्सा है कि यहाँ साड़ी बनाने वाले 4,000 में 5,000 में साड़ी बेचते हैं, वह दुकानों में 10,000 में बिकती है, तो साड़ी बनाने वालों ने बनाने में उनका मटेरियल का पैसे निकाल जाए तो 1,500 रुपया मिलता है, उसमें उनको 4 दिन लगता है, और बेचने वालों को 1 घंटे में 5,000 रुपया मिलता है। हम उत्पादन करने वाले और बेचने वालों को सीधा जोड़ने वाले, उनके कारण खरीदने वालों को थोड़ा सस्ता मिलेगा और बेचने वालों को आज जो मिल रहा है उनसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और यह अकेले संबलपुर साड़ी नहीं, पूरे देश में जो भारतीय उत्पादक है उनको भारत में 1,000 जगह पर बिक्री का प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं। दूसरे अर्थ में कह सकते हैं तो मैं हिंदू अमेजोन खड़ा कर रहा हूँ। तो यह व्यवस्था उड़ीसा में खड़ी करवाते जाना, साथ में कोई हिंदू बिना मदद न रहेगा। हिंदू हेल्पलाइन, मदद चाहिए उनको फोन की एडवाइस के आधार पर कोई भी घरों में करेगा वो बेच पाएगा। सुवर्णपुर जिला प्रतिनिधि पीतांबर महापात्रंकर रिपोर्ट कोणार्क लाइव।